अगर आप लोग करंट मार्केट सिनेरियोज को देखेंगे तो करंट मार्केट सिनेरियोज में सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस को दिखाया है और यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में छोटे मोटे फ्लक्चुएशन की वजह से आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर मार्केट में कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये आपके लिए बहुत ही सही टाइम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और दोनों कंफ्यूजन के बीच में फंस चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। पर्सनली मैं तो ये कहता हूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको एसआईपीस के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट करने का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में और आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट के कम होने की वजह से आपके जो प्रॉफिट का अमाउंट है, जो आपके रिटर्न का अमाउंट है, वो ज्यादा हो जाता है। मतलब आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। अगर आप लोग करंटली मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे साइक्लिकल शेयर्स भी हैं जहां पर आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि वेदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन और नॉट, तो आपको हमेशा ही देखना है कि आप कौन से कंपनी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो करंट मार्केट कंडीशन में आईटी सेक्टर के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आया था। स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आया था। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं आईटी सेक्टर की कंपनीज में, तब यहां पर आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि आज आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज कम होते जा रही है। लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आईटी सेक्टर की कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ेंगे और रेवेन्यूज के बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में भी ग्रोथ आएगी। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, तब यहां पर आपको खुद की रिसर्च करनी है, आपको पता लगाना है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। और तो और आप जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वहां पर आपको उस कंपनी की वैल्यूएशन भी चेक करनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स के रिटर्न्स होते हैं और कंपनी के जो वैल्यूएशंस होती हैं वो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती हैं। और अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं, तब यहां पर आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने सेक्टर वाइज आपको बताया है कि कौन से कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का आप कंसिडरेशन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी के शेयर में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के शेयर की वैल्यू और भी ज्यादा गिरेगी, तब यहां पर आपको हर एक डिप पर बाय करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।